हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और आपको पता है मैं हेल्थ के वीडियोस आपसे शेयर करता रहता हूं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज पर, क्योंकि हमारे देश में ये सबसे ज्यादा बढ़ती हुई बीमारी है और काफी लोग जो है इससे चिंतित रहते हैं। यंगस्टर्स में भी ये बीमारी जो है आजकल बढ़ के आई है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज में जो है आपकी डाइट का। और आज हमारे साथ एक ऐसी बहुत फेमस इंटरनेशनली अक्लेम्ड शख्सियत हैं डॉक्टर प्रीति नंदा, जो गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हैं। तो वेलकम मैम। और मैम हमें कुछ चीज़ें बताएंगी जिससे आप अगर प्री डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आप काफ़ी हद तक उसको डिले कर सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो भी नहीं घबराएं, कुछ मेथड्स हैं जिससे आप अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन उसके अलावा भी आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं और शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। वेलकम मैम, आप बताइए कुछ हमारे। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे ज्यादा आजकल डायबिटीज हो रहा है, राइट? एंड उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है हमारे खाने, सोने और सोचने में जो बदलाव आया है जी। ठीक है, अगर हम देखें तो हम पूरा दिन जो खाना खा रहे होते हैं वो कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, जो कि बार बार हमें भूख लगवाते हैं, बार बार हमें हंगर पैंग्स होते हैं। तो खाना बदलना या वो खाना खाना जो कि हमारी बॉडी हमसे चाहती है वो इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप खाना ठीक खा रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना? आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। वो पता करने के लिए आप पूछिए कि जब आप दोपहर को खाना खाते हैं क्या उसके बाद आप एक्टिव फील करते हैं या आप बिल्कुल ऐसा आपका मन करता है कि आप सो जाएं, राइट? अगर आप स्लीपी फील करते हैं, अगर आप टायर्ड फील करते हैं, अगर आपको कॉफी की या स्मोक की या टी की या सिगरेट की जरूरत लगती है, तो गाइस जो भी आपने खाना खाया है वो या तो आपको डायबिटिक बना चुका है या बनाने के बिल्कुल करीब पहुंचा चुका है, राइट? तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टेस्ट, इजीली आप कर सकते हैं। आप अगर आपको नींद आ रही है तो व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू, आपके लेफ्ट साइड पे जो भी आप कार्ब्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसको आपको कम करना है। अगर आप दो रोटी खा रहे हैं तो आप एक खाइए, अदरवाइज अगर आप दो रोटी खा रहे हैं उसके ऊपर घी अच्छे से लगाइए। अब यू वुड बी थिंकिंग घी, हमारे तो डॉक्टर्स बोलते हैं घी खाना ही नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि फैट एक सिर्फ ऐसी चीज है जो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका दोस्त है। आप अच्छा फैट खाएंगे, एवोकाडो, नट्स, देसी घी घर में बनाकर, नारियल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, पीक नहीं करेगा, आपको एनर्जी लंबी देर के लिए देगा and you will feel better and aap diabetes dheere dheere dekhenge you will be able to control it or reverse it and you will feel really very 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 energetic. Dusri cheez hai sleep. There are studies jo show karti hain ki agar aap ek raat 10:30 11 baje na sokar 1 ya 2 baje sote hain, next day morning if you check your insulin, aap insulin resistance paaye jayenge. Ab insulin wo hormone hai jo decide karta hai ki main theek se kaam kar raha hu to aap diabetic nahi ho, और अगर मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ तो आप डायबिटिक हो गए हो या होने वाले हो। सो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्लीप जब हम करते हैं सिर्फ टाइम पे सोना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच मीन्स लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए जब आप स्लीप कर रहे हैं, आपका फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए जब आप स्लीप कर रहे हैं, एंड आप थोड़े ठंडे टेम्परेचर में एंड लूज रिलैक्स्ड क्लोथ्स में यू शुड स्लीप, सो दैट योर बॉडी इज एबल टू रेस्ट एंड डिटॉक्स प्रॉपर्ली। एंड थर्ड चीज जो मैंने बोली थी, आप सोचते क्या? डायबिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके स्ट्रेस के साथ। सो दो हार्मोन्स हैं जिसको मैं बोलती हूँ ट्विन सिस्टर्स, एक इंसुलिन और एक कॉर्टिसोल। इंसुलिन है जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है और आपको एनर्जी देता है, कॉर्टिसोल है जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती, सिर्फ बिगड़ेगी। स्ट्रेस ठीक करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो विच कैन चेंज थिंग्स फॉर यू इज डीप ब्रीदिंग। आप अपने बॉस के पास जा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके बच्चे ने आपको गुस्सा किया, यू हैव नॉट लाइक व्हाट ही सेड, आपको पता है आप उसको डांटने वाले हैं, ठीक है? उससे पहले अगर आप 3 डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, 3 डीप एब्डोमिनल ब्रेथ्स, you will see a change and you will be able to reverse your diabetes. So friends, diabetes sirf aapka ek love affair hai, jab tak you do want to be together you can be, otherwise
डायबिटीज इज अ वेरी वेरी सिंपल डिजीज टू रिवर्स एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का रिवर्स किया. आई केम इन टू फंक्शनल मेडिसिन 8 ईयर्स बैक बिकॉज आई बिकेम अ डायबिटिक देन. मेरे घर में मेरी सारी आंट्स देवर 100 केजीज प्लस एंड आई वॉज 89 केजीज एंड अ डायबिटिक एंड इट जस्ट फ्रीक्ड मी आउट. बस आई थॉट यार अगर इस उम्र में डायबिटिक हो गया तो व्हेन विल आई एंजॉय माय लाइफ. ठीक है एंड अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मैं गुलाब जामुन हलवा चॉकलेट कभी कभी खा सकती हूँ एंड आई एम नो मोर अ डायबिटिक फॉर लास्ट 6 ईयर्स एंड कोई रिलैप्स नहीं हुआ. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो इस तरह की टिप्स हैं हम बीच बीच में अपने व्यूअर्स को दे सकें और इससे व्यूअर्स बहुत बेनिफिट करेंगे. तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस नॉलेज को शेयर करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.